स्टूडेंट्स, आज हम एक और लेक्चर लेकर आए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि मेरी जो ये चैनल है आर्स नॉलेज नेस्ट, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ में शेयर भी कीजिए। तो जो मैं आज दो टॉपिक्स लेकर आया हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू रोड सेफ्टी एजुकेशन और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016। उसके की फीचर्स हम इसमें पढ़ेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आपके कवर होंगे। तो रोड सेफ्टी एजुकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक डाटा पे जाएंगे। पहले क्यों हमें रोड सेफ्टी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना है हर एक लेवल के, ना कि सिर्फ छोटे लेवल्स पे बल्कि हर एक लेवल पे, हायर लेवल्स पे भी। तो हमारे पास एक डाटा है कि एवरी ईयर जो इंडिया में 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और आउट ऑफ दोज 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स 1.5 लाख पीपल लूज देयर लाइव्स, ठीक है, अपनी जान गंवा देते हैं 1.5 लाख लोग उन रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है रोड सेफ्टी एजुकेशन की। अगर हम देखेंगे, रोड सेफ्टी एजुकेशन इज़ द प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स बाय यूजिंग ऑल द रोड सेफ्टी मेजर्स। रोड सेफ्टी क्या होती है, रोड सेफ्टी एजुकेशन क्या होती है कि हम किस तरीके से जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको कैसे प्रिवेंट करें, उनको कैसे अवॉइड करें, या हम किस तरीके से खुद को या दूसरों को उन रोड एक्सीडेंट से हम प्रोटेक्ट करें, वो कैसे हम प्रिवेंट या प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल द सेफ्टी रोड सेफ्टी मेजर्स। तो इस तरीके से हम रोड सेफ्टी मेजर्स को ये अडॉप्ट करके हम एक तो रोड एक्सीडेंट्स प्रिवेंट भी कर सकते हैं और दूसरा कि हम खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बाकियों को भी बचा सकते हैं। तो कुछ और डेटा है हमारे पास, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इसमें से बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स भी कवर होंगे। हमारे पास जो, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो जो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वो पहले नंबर पे उस पे आता है यूएसए, और इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे आता है लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स में। पहले नंबर पे यूएसए और दूसरे पे इंडिया। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको, आपके साथ डिस्कस करूँगा, इवन कि आपने पढ़ी भी होगी, ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है आपकी 10th की ज्योग्राफी में, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। उसमें आपने ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ा होगा, यहाँ पर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये एक वाइटल रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज ग्रोथ, ठीक है, जो नेशनल इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ में ये एक मेन रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब जो रोड सेफ्टी जो है, रोड सेफ्टी एक मेजर या हम कहेंगे इमर्जिंग कंसर्न है, सोशल कंसर्न है कि जो हम आए दिन देखते रहते हैं कि एक्सीडेंट्स दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और वो एक्सीडेंट्स इंक्रीज होने का रीज़न क्या है, दो रीज़न्स हैं, पहला प्रोफेशनलिज्म और दूसरा अकाउंटेबिलिटी इन ड्राइवर ट्रेनिंग। ये दो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं, आए दिन देखते हैं कि जो एक्सीडेंट्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म इतना नहीं होता है कि प्रोफेशनलिज्म के मैं, मुझे गाड़ी चलानी आई तो मैं प्रोफेशनल बन गया, नहीं। प्रोफेशनलिज्म मीन्स अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू लॉज, अकॉर्डिंग टू रूल्स मुझे ड्राइव करना है, ओवर स्पीड नहीं मुझे करनी है, ड्रंक होकर मुझे गाड़ी नहीं चलानी है, या जो ओवरटेकिंग हम करते हैं रॉन्ग साइड से वो मुझे नहीं करना है, कि या जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे सीट बेल्ट लगाना है, इवन कि अगर मैं बाइक राइड कर रहा हूं तो मुझे वो जिगजैग वगैरह नहीं करना है या हेलमेट पहनना है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, कि उन चीज़ों से बचना है जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं, चाहे आप कितने ही ट्रेन क्यों ना हो, उसको हम प्रोफेशनलिज्म नहीं कहेंगे। प्रोफेशनलिज्म मीन्स कि आप अकॉर्डिंग टू रूल्स चल रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। और दूसरा रीज़न ये है अकाउंटेबिलिटी इन ड्राइवर ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे गाड़ी अच्छे से चलानी आती है और मैं रियल में प्रोफेशनल हूँ, कोई बंदा आता है मेरे पास, वो मुझे बोलता है कि सर मुझे गाड़ी सीखनी है, मैं उसको सिखाता हूँ, लेकिन मुझे बस उसको इतना ही नहीं सिखाना है कि गाड़ी ऐसे सिखानी है, यहाँ पर ये गियर डालना है, ऐसे क्लच दबानी है, ये चीज़ें नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं होती, बल्कि मुझे इसको वो हर एक चीज़ सिखानी है जो मैंने खुद सीखी है, कि किस तरीके से आप ड्राइव करोगे, ओवर स्पीड नहीं जाना है, जिगजैग बाइक पे नहीं करना है, हेलमेट पहनना है, जो ड्राइवर है उसको सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है, ठीक है, चप्पल पहन के गाड़ी नहीं चलानी है। तो दिस इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग। तो लेकिन जो हम ये दोनों चीज़ें हम कम देख रहे हैं आज के समाज में, हमारी सोसाइटी में ये दोनों चीज़ें कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। WHO की एक सर्वे हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक सर्वे है,
1.2 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू ट्रैफिक इंजरीज अराउंड द ग्लोब, पूरे ग्लोब में इन ट्रैफिक इंजरीज की वजह से 1.2 मिलियन जो लोग हैं उनकी जो जान है वो चली जाती है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, वो और उसमें वो इंजर्ड होते हैं और लास्ट पे वो उनकी डेथ हो जाती है इन इंजरीज की वजह से। ये WHO की सर्वे है। उसके बाद जो मेन एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, या इससे आपके पास आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी निकल सकते हैं, इवन क्या ये मैंने इस तरीके से फ्रेम किया है कि आपको ये दो, अगर आप 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है इसको आराम से आप लिख सकते हैं। तो जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 है, ठीक है, सबसे पहले जो मोटर व्हीकल जो बिल थी वो 1988 में लाई गई थी, उसी में कुछ चेंज की गई, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई 2016 में उसी बिल में जो 1988 में बनाई गई थी, तो उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं फिर, क्योंकि 2016 में उसको अमेंड किया गया तो हम क्या बोलते हैं, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016। इसमें इसके कुछ की फीचर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला फीचर जो है इट्स रिलेटेड टू कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है कि जो हिट एंड रन केसेस है, कि फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने किसी को ठोक दिया और भाग गया, लेकिन बाद में जो पुलिस है उन्होंने कार्रवाई की तो मुझे पकड़ा, तो पहले जो उस बंदे को कंपनसेशन देनी पड़ती थी वो पहले था 25,000 अकॉर्डिंग टू 1988 मोटर व्हीकल बिल जो थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको 25,000 कंपनसेशन देनी पड़ती थी। लेकिन जो इसमें अमेंडमेंट की गई 2016 वाली बिल में, तो वहां पर क्या कहा गया कि इसको आप 25,000 नहीं, आप 2 लाख इसको कंपनसेशन देनी है, उसके जो विक्टिम है उस उनकी ओर इनको 2 लाख रुपए देना है। दूसरी चीज यहाँ पर जो मैं मेंशन करना चाहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मोस्टली हमारी जो स्कूल बसेस हैं उनके ड्राइवर्स, अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने किसी स्कूल बस के ड्राइवर को पकड़ा और वो ड्रंक था, मींस उसने शराब पी रखी थी, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी, एक तो उसको 50,000 रुपये जो है वो फाइन देना है, प्लस 3 साल के लिए उसको जेल हो जाएगी, ये स्कूल बस ड्राइवर के लिए जो स्कूल बस चला रहा होगा। उसके बाद है ई गवर्नेंस, एक और फीचर है इस अमेंडमेंट बिल 2016 का। ई गवर्नेंस क्या है, ये किस पे फोकस करता है, ऑन इम्प्रूविंग डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द स्टेक होल्डर्स यूजिंग ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस मतलब कि इंटरनेट ऑनलाइन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना स्टेक होल्डर्स को, लाइक कि अगर मुझे लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो मैं ऑनलाइन घर बैठकर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, या मुझे इंक्रीज पीरियड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटी, के जो मेरे पास लाइसेंस होती है क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है वो फिर उसकी उसको रिन्यू हमें करवाना पड़ता है, कि तो वो फैसिलिटी रखी गई, वो ई गवर्नेंस फैसिलिटी रखी गई कि ऑनलाइन उसको रिन्यू भी करा सकता है, तो ये फैसिलिटीज रखी गई इसमें, ये एक फीचर है इस अमेंडमेंट बिल का 2016। तीसरा एक और जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा फीचर, वो है ऑफेंसेस कमिटेड बाय जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स हम उनको कहते हैं हु आर अंडर द एज ऑफ 18, ये 18 साल की जो नीचे से एज के होंगे उनको हम जुवेनाइल्स कहते हैं। अब क्या है कि आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अंडर 18 हैं, उनको घर वाले बाइक्स देते हैं या और कोई व्हीकल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं और ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर इन केस ऐसा हुआ कि कोई जुवेनाइल जो था वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था या कोई भी 2 व्हीलर ड्राइव कर रहा था, तो कुछ हो गया, कुछ इन द सेंस उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले वहां पर जो उस गाड़ी का ओनर होगा उसको गिल्टी माना जाएगा, उसको सजावार माना जाएगा, प्लस ये जो ऑफेंस किया है जुवेनाइल्स ने, नो डाउट उनको सजा दी जाएगी, जो कि हमारे पास जुवेनाइल कोर्ट होता है, एक्ट 11 के अंडर उन पे केस चलाया जाएगा जुवेनाइल्स के ऊपर, ठीक है, अगर उनकी वजह से कोई एक्सीडेंट होता है, लेकिन जो मेन जो कल्प्रिट माना जाएगा वहां पर वो माना जाएगा उस गाड़ी का, उस व्हीकल का जो ओनर है, जो मतलब ओवर 18 है, ठीक है, उसको गिल्टी माना जाएगा। दूसरी चीज, उस गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल की जाएगी, तो ये एक बहुत ही अच्छा लॉ इन्होंने बनाया है, तो हमें इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे अंडर 18 के बच्चे हैं उनको हमें ये जो व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उनको उनके हाथ में नहीं देना है, क्योंकि ब्लड में ज्यादा रश होता है तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि ज्यादा एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। और कुछ यहाँ पर मैं फीचर्स मैंने लिए हैं दो पॉइंट्स में इस जो अमेंडमेंट बिल में लाए गए। पहला,
इम्प्रूविंग रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी को हमें इम्प्रूव करना है, सिटीजन्स फैसिलिटेशन वाइल डीलिंग विद द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो मैंने ई गवर्नेंस की बात की कि उनको मतलब फैसिलिटेट करना है, उनको वो सुविधाएं पहुंचानी है, उनको वो आसानी पहुंचानी है। दूसरी चीज़ क्या हुई, इट ऑल्सो फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग रूरल ट्रांसपोर्ट, जो रूरल ट्रांसपोर्ट है उसको उसको स्ट्रेंथ देनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको बढ़ावा देना है, उसको स्ट्रेंथ देनी है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑटोमेशन एट्सेट्रा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑटोमेशन मतलब हुआ कि जो दूर दराज इलाके होते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पर रोड्स वगैरह बनवाना, ताकि वहाँ पर भी रोड्स वगैरह जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आसानी से पहुँच जाए। तो ये कुछ फीचर्स थे इस अमेंडमेंट, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 के। एग्ज़ाम में अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं, स्लाइड्स भी आपके सामने हैं, आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम 2019 में आते हैं, जो ये 1988 में मोटर व्हीकल बिल जो थी 1988 की, इसको अमेंड किया गया, इसमें कुछ चेंजेस लाई गई मीन्स 2016 में। उसके बाद 2016 के बाद जो गवर्नमेंट को इनको ये ज़रूरी लगा कि नहीं, हमें और भी कुछ इसमें इंट्रोड्यूस करना है, कुछ और भी चेंज इसमें लानी है। तो इन्होंने क्या किया 2019 में, इसमें और कुछ अमेंडमेंट्स की गई और ये जो इम्प्लीमेंट की गई September 1, 2019 में ये बिल इंट्रोड्यूस की गई, इम्प्लीमेंट की गई। इसमें क्या कहा गया, स्टिफर पेनल्टीज फॉर ट्रैफिक वायलेशन, जो भी ट्रैफिक वायलेशन करता है उसको हार्श पेनल्टीज से गुजरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टिफर पेनल्टीज उस पर लगाई जाएगी। इंश्योरिंग रोड सेफ्टी, इसमें भी कहा गया कि रोड सेफ्टी को बढ़ावा देना है, इसको रोड सेफ्टी को इंश्योर करना है। कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स, जो विक्टिम्स हैं जो एक्सीडेंट्स की वजह से जिनकी डेथ होती है या इंजर्ड होते हैं, उनको कंपनसेट करना, उनको कंपनसेशन देनी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो हमें पता ही है कि आजकल आप आए दिन सुनते हो कि मुझे इंश्योरेंस करना है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना है, इसको भी एक इम्पोर्टेंस दी गई इस मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 में। कंडीशन ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स की कंडीशन चेक करना, क्या ये गाड़ी जो है इसका इंजन सीज मत हुआ है, फिर भी चल रही है, पोल्यूशन मत हो रहा है इससे, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है कि इसकी कंडीशन चेक की जाएगी, अगर ये अच्छी कंडीशन में नहीं होगी तो इस गाड़ी को जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो सीज करेगा। एक और चीज़ क्या कही गई, ग्रांट्स ऑफ लाइसेंस एंड परमिट्स, के जो लाइसेंस हैं या परमिट्स हैं उनको देना, कि कोई फॉर एग्जांपल मैं ओवर 18 हूँ तो मुझे राइट बनता है कि मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँ या परमिट मुझे चाहिए होगा, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दी गई कि आपको इनको लाइसेंस भी ग्रांट करने और परमिट्स भी ग्रांट करने। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको तीन चीज़ें क्लियर की, पहली कि व्हाट इज़ रोड सेफ्टी एजुकेशन, और कुछ डाटा भी था, क्यों कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं मत पूछेंगे। दूसरा, जो हमारे पास मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 जो 1988 को अमेंड किया गया था, उसमें कुछ चेंजेस लाई गई थी, उसके की फीचर्स क्या थे, या जो फिर इसी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 में को और कुछ चेंजेस की गई 2019 में, उसके भी फीचर्स मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करोगे और इंशाल्लाह आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से टॉप करोगे इंशाल्लाह स्टेट में। तो लास्ट में यही कहूँगा कि जो मेरी ये मुझे एनकरेज करने के लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए जो मेरी ये चैनल है आर्स नॉलेज नेस्ट, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ साथ में शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।